शायद ही हम में से कोई ऐसा हो जिसने बाहुबली मूवी न देखी हो। बाहुबली की मूवी महिष्मती राज्य पर आधारित है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह काल्पनिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई भी है। आइए जानते हैं महिष्मती साम्राज्य का इतिहास। प्राचीन ग्रंथों व पुराणों में महिष्मती की स्थापना का श्रेय राजा महिष्मंत को दिया गया है, जो सहजत के पुत्र और यदु के वंशज थे। महाभारत और हिंदू पुराणों में कहा गया है कि यह सम्राट महिष्मंत को महेश ने वरदान स्वरूप केवल हेयों के लिए महिष्मती दी थी। वरदान में कहा गया था कि महिष्मती पर अब हेयों का शासन समाप्त होने पर यह नगर समाप्त हो जाएगा और शेष भाग महेश्वर में परिवर्तित हो जाएगा। हय हय पांच गुणों का एक प्राचीन संघ था। हरिवंश पुराण के अनुसार हय हय यदु के पौत्र और सहस्त्रजीत के पौत्र थे। पुराणों में इनको अवंती का पहला शासक वंश बताया गया है। हय हय राजाओं ने भारत के कई अन्य राजाओं पर विजय प्राप्त की। इनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। भगवान सहस्त्रबाहु थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। परशुराम थे। हय हय राजवंश का भार्गव ब्राह्मणों के साथ विवाद का उल्लेख महाभारत में विभिन्न स्थानों पर मिलता है। कहा जाता है कि भार्गवों के वंशज जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने हय हय राजा सहस्त्रबाहु को मार डाला था। उनका विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। भार्गवों ने पूरे भारत में अनेक क्षत्रिय राजाओं को मार डाला, जिनमें से अधिकांश सहस्त्रबाहु के सगे संबंधी थे। महामाना सहस्त्रबाहु के 100 पुत्र थे, लेकिन उनमें से केवल 5 बचे थे और वे 5ों कुशल शासक और राजनीतिज्ञ थे। बौद्ध ग्रंथ दीघा निकाय में महिष्मती का उल्लेख अवंती की राजधानी के रूप में किया गया है, जबकि अन्य पाली ग्रंथों में उज्जैनी को इसकी राजधानी बताया गया है। हालांकि यह ग्रंथ इस बात से सहमत है कि महिष्मती अवंती का एक हिस्सा था।